आज हम यहाँ पर अल महादुर इस्लामिया सलफी के कैंपस के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि हमारे समाज के अंदर ये मान्यता है कि मदरसे के बच्चे सिर्फ अरबी उर्दू और तकरीर में ही नंबर वन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिटीज दी जाएं तो वो भी अपनी कला का शानदार कर सकते हैं और किसी भी एकेडमिक बच्चे से पीछे नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिफ्ज के छात्र हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद इब्राहिम। तो इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत शानदार तरीके से इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से इन्होंने लिखा है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये एक सैटेलाइट का एक नमूना यहाँ पेश करते हुए दो स्टूडेंट। क्या नाम? मोहम्मद सिराज। ये आदित्य L1 था, जहाँ से हमें ये पता चलता है मौसम के बारे में कि सूरज की गर्मी, टेम्परेचर कितना है, लो हाई, हर चीज़ पता चलता है। और बारिश वगैरह के बारे में भी पता चलता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। इन चीज़ों की जानकारी हमें ये सैटेलाइट देती है। मॉडल की तरफ चलते हैं और ये किसका है? तारिक शफीक। तो इन्होंने आर्मी टैंक को बनाया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मिसाइल इसके ऊपर रखी हुई हैं और इसरो से रिलेटेड है। और दूसरा जो मॉडल है वो ताजमहल का फ्रंट व्यू दिखाई देता है और ये इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा एक क्राफ्ट तैयार किया। मॉडल की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्मी टैंक का क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ होता हुआ मॉडल। और इसको थोड़ा सा बेटा मूव करके दिखाइए, बहुत बेहतर। और इसके अलावा आता है इंडिया गेट, यहाँ दो तालिबे इल्म आपके सामने मौजूद हैं। मेरा नाम हिशाम शाहिद है और मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। ये इंडिया गेट है, इसे 1921 में ड्यू कनॉट ने दिल्ली के अंदर बुनियाद डाली थी इसकी, और 10 साल की मुद्दत यानी 1931 में इसका इफ्तिताह हुआ था। और इसे डिक्टेट कर दिया गया उन शहीदों के लिए जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। और इसकी दीवारों पर बहुत सारे शहीदों के नाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी दीवार पर मुसलमान शहीदों के नाम हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान अब्दुल वहीद, मैं यूपी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये आर्मी टैंक बनाई है जो हमारे जवान बेचारे लड़ते रहते हैं उस लेके। अपने देश की मोहब्बत में, मैं आर्मी के जवानों की मोहब्बत में ये टैंक बनाई है। हमारा नेक्स्ट मॉडल आ जाता है चंद्रयान 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ कला का प्रदर्शन कर किया है अपने। और जरा दिखाइए इसको चलाकर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, ठीक। नेक्स्ट मॉडल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और ये एक हिफ्स के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, मोहम्मद अब्तल। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये वैक्यूम क्लीनर और इसरो की एक मिसाइल और एक घर का मॉडल तैयार किया है। ज़रा मिसाइल को चलाकर दिखाएं, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। वैक्यूम क्लीनर भी दिखाइए, देखिए किस तरह डस्ट बिल्कुल अंदर जा रही है, देख सकते हैं। और ये अर्थ क्विक का जो अलार्म बजता है इसके अंदर सेंसर वाला, वो आप देख सकते हैं कि जब वाइब्रेट होगा पता चल जाए। मिसाइल के एक और मॉडल की तरफ चलें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ इसरो की मिसाइल बनाई गई है और दूसरा एक बिल्डिंग का इंटीरियर यहाँ पर दिखाई देता हुआ अच्छा प्रदर्शन किया है। बेटा चला के दिखाइए ज़रा उसको। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिल, सन ऑफ अकबर, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साहिल, झारखंड से रहने वाला हूँ। इसके बाद अगले मॉडल की तरफ बढ़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों ने कितनी शानदार ये घर का इंटीरियर दिखाया है और इसके अलावा मिसाइल भी हैं और नेचुरल ब्यूटी को, प्राकृतिक खूबसूरती को यहाँ पर बनाया है, मॉडल के रूप में वहाँ उतार दिया है। और ये एक छोटा बच्चा है हम्माद नाम का, उसने बनाया है। और दूसरे, क्या नाम है आपको? मोहम्मद अनस हैं, मुतवस्ताउल्ला के छात्र, इन्होंने तैयार किया इसे। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम यहाँ दिखाया गया, तो ये छोटा ही बच्चा है बेचारा, इसने जो है बहुत अच्छा एक इफेक्टिव प्रोडक्ट तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं नाम मोहम्मद काशिम, मैं नवागुन से रहता हूँ। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है।
अगले मॉडल की तरफ आए तो साइंस का बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखने को मिलता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इस बच्चे ने काफी अच्छी कलाकारी इसके अंदर दिखाई है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ जो कि बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा मॉडल इन्होंने यहाँ बनाया है बच्चों ने। इसका नाम है काला पानी की जो सेलुलर जेल है उसके मॉडल को इन्होंने यहाँ दिखाया है और काफ़ी बड़ी जगह में ये आप देख सकते हैं कि इसका कैंपस कितना बड़ा है। और इसी तरह जितना ये कैंपस बड़ा है उतना ही बच्चों को काफ़ी मेहनत इसके अंदर लगी और लेकिन उन्होंने इस काम को कर दिखाया। और बच्चों को यही होता है कि अगर इन्हें मौके दिए जाएँ तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ये गेन कर सकते हैं। ये नाम मैं जाना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शमी मोहम्मद शफीक है। मैं झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हम दोनों ने राशिद और मैंने बनाया दो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद राशिद शफीक और रहमान, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। आप ये तारीख का एक क्रेफ्ट देख रहे हैं जो सेलुलर जिसका नाम सेलुलर जेल है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के अंदर बनी हुई है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो देश के स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको यहाँ सजाएं दी गई थी। ये इतनी खतरनाक जेल है कि इसमें अगर कोई कैदी आता तो वो यही ख्वाहिश करता कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, मुझे मार दिया जाए। देखिए नेक्स्ट मॉडल में छोटे बच्चों की कलाकारी देखते ही बनती है। इन्होंने भी एक घर का मॉडल यहाँ तैयार किया है तो एक दूसरा भी ऐसे ही मॉडल यहाँ पर तैयार होता हुआ और बहुत बेहतरीन इनका प्रदर्शन। देखिए घर के एक दूसरे मॉडल की तरफ आप जाएं यहाँ पर तो यहाँ भी घर का एक मॉडल यहाँ तैयार होता हुआ, आगे भी उसके अगले भी और उसके आगे भी तीन मॉडल यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो अलमहादुल इस्लामिया सल्फी का पूरा कैंपस है जिसके अंदर अभी भी हम यहाँ मौजूद हैं। सब कुछ इन्होंने यहाँ दिखाया है, क्लासरूम्स वगैरह हैं और मस्जिद दिखाई गई है, मेन गेट दिखाया है, हॉस्टल दिखाया है और कितने खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर जो सोलर पैनल भी दिखाया, कितने खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर जो ये पेड़ पौधे हैं वो दिखाए हैं। ज़रा मैं जानना चाहूँगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मंजर आलम बिन अब्दुत्तवाब। इस मदरसे में हम लोग पढ़ते हैं अलमहादुल इस्लाम सलफी रिचा बरेली में, उसी मदरसे को हम लोग नकल किए हैं।